ऐसे आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बड़े होंगे। और गाइस आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो कई बार एक एरर आता है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू डिस्क जीरो पार्टीशन। और गाइस अगर एक बार ये एरर आ जाए तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है कि आप विंडोज इंस्टॉल कर लें अपने जो पीसी है, लैपटॉप है उस पे। सो उसी के बारे में ये गाइड है, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सॉल्व करें और आप विंडोज इंस्टॉल करें। सो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि फ्यूचर में मेरी सारी वीडियोस देख पाएं, और उसके बाद इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। सो गाइस इस वीडियो में आपको लाइव एरर दिखाऊंगा कि वो एरर कैसे आता है। सो सबसे पहले इंस्टॉल नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटअप स्टार्टिंग करके आएगा। गाइस विंडोज 10 प्रो प्री एक्टिवेटेड पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे दबाते हैं। इसके बाद आपको लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा, नेक्स्ट पे दबाना होगा। नेक्स्ट पे दबाने के बाद कस्टम, और गाइज उसके बाद आपके पास पार्टीशंस की सारी लिस्ट आ जाती है, और ये रहा ड्राइव जीरो पार्टीशन 3। सो हम इस पर टैप करेंगे और आप नीचे देख सकते हैं एरर आ रहा है कि विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव जीरो पार्टीशन 3। और ये एरर जब तक आएगा उसके बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक हो ही नहीं पाएगा। सो आपको इस केस में करना यह है कि आपको शिफ्ट प्लस F10 दबाना होगा। हम दबा देते हैं शिफ्ट प्लस F10, और जैसे ही आप ये दबाएंगे तो एक विंडोज खुल जाएगी CMD करके। और सबसे पहले आपको टाइप करना होगा गाइस डिस्क पार्ट, DISKPART, डिस्क पार्ट करके आपको एंटर दबाना होगा। और डिस्क पार्ट करने के बाद आपको लिखना होगा लिस्क डिस्क, LISTDISK। उसके बाद आपके पास एक सारी लिस्ट आ जाएगी कि डिस्क क्या है। उसके बाद आपको गाइस टाइप करना होगा SELDISK और जीरो, क्योंकि पार्टीशन जीरो था तो उसको आपको SEL डिस्क जीरो करना होगा, एंड देन अगेन टैप करना होगा। और उसके बाद लिखा जाएगा डिस्क जीरो इज नाउ सिलेक्टेड डिस्क, यानी कि जो हमें जिसमें इंस्टॉल करनी है वो डिस्क सिलेक्ट हो जाती है। और उसके बाद आपको सिंपली टैप करना होगा क्लीन, और जैसे ही आप करेंगे क्लीन पे टैप, उसके बाद डिस्क सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क करके आ जाएगा। और उसके बाद आपको सिंपली ऊपर से इसको क्लोज करना होगा, और यहां पे गाइस आपको जाके रिफ्रेश पे दबाना होगा एक बार। अब जैसे ही रिफ्रेश पे दबाएंगे तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा ड्राइव जीरो अनलोकेटेड स्पेस, और इस पे टैप करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब जो विंडोज का इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आपके में ये एरर आ जाता है विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस जीरो पार्टीशन, और आप ये जो हमने अभी आपको करके दिखाया था, उसके बाद जो आपका सारा डाटा होता है वो सारा का सारा डाटा उड़ जाता है और जितना भी पार्टीशन होता है सारा फॉर्मेट हो जाता है। तो आपको पहले एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको सारा अपना बैकअप लेना होगा, बिकॉज इसके बाद बैकअप नहीं आएगा। आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं वापस फाइल्स लाने के लिए, बट अगेन अगर वैसी बात की जाए तो आपका बैकअप कोई भी नहीं रहेगा, आपका कुछ भी डाटा नहीं रहेगा। तो आपको बैकअप पहले एक क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में या कहीं पे भी आपको इंस्टॉल करना होगा। सो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। प्लीज पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। थैंक्स।